जिला पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा जिले में अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखने, अपराधियों गुंडा बदमाशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने, शासकीय राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने, कानून व्यवस्था को नियंत्रित बनाए रखने इत्यादि के अधीनस्थों को निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र गौतम के मार्गदर्शन में गत रात्रि में कैंट थाना पुलिस द्वारा पीडीएस के शासकीय राशन चावल की कालाबाजारी करते दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से एक पिकअप वाहन में 39 क्विंटल चावल के कुल 78 कट्टे बरामद करने में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 12 सितंबर 2022 की रात्रि में कैंट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के पटेल नगर तरफ से गुना अशोक नगर मेन रोड की ओर से एक पिकअप वैन क्रमांक MP08GA4252 में शासकीय दुकानों पर वितरण होने वाले चावल को बेचने हेतु ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छावई द्वारा शासकीय राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई हेतु थाने से तत्काल एक टीम रवाना की गई। यह बिना कोई देर किए तुरंत पटेल नगर में गुनिया नदी पुलिया पर पहुंची, जहां कुछ ही देर बाद उक्त पिकअप वाहन के आने पर पुलिस द्वारा उसे रोककर देखा तो उसमें चावल के अलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा था, जिनके पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम पवन पुत्र गोपाल रजक उम्र 35 साल निवासी रुचि प्लांट के पास कुशमौदा एवं साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कमलेश पुत्र नारायण सिंह राठौर उम्र 50 साल निवासी जाट गली पटेल नगर कैंट गुना के होना बताया। ये एक जानकारी मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो चावल है राशन दुकान पर बांटने के लिए पीडीएस का, उसको एक पिकअप वाहन में भर के और अशोकनगर रोड पर ले जाया जा रहा है। इस सूचना की तस्दीक की गई, सूचना सही पाई गई। कैंट थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ उस पिकअप को रोका, उसके अंदर से कुल 78 बोरी चावल जिसमें 39 क्विंटल चावल था वह जब्त किया गया है और इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसे जाने हेतु एक अभियान के रूप में कार्रवाईयों को अंजाम दिलाया जा रहा है। इसके तहत गुना पुलिस द्वारा फरार वारंटियों, इनामी बदमाशों, गुंडा बदमाशों, माफियाओं सहित विभिन्न अपराधों में फरार आरोपियों की निरंतर धरपकड़ करते हुए उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एसडीओपी राघोगढ़ जीडी शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के धरनावदा थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में एक ट्रक मालिक का अपहरण कर परिजनों से 18 लाख की फिरौती मांगे जाने के सनसनीखेज मामले में फरार अंतिम व चौथे आरोपी को भिंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 19 दिसंबर 2020 की रात को पुलिस चौकी रुठियाई अंतर्गत गादेर गुफा मंदिर के सामने स्थित लेबाय पर एक ट्रक लावारिस अवस्था में खड़ा मिला था, जिसके संबंध में पता करने पर उक्त ट्रक बरेली से प्लाईबोर्ड के रॉ मटेरियल लोड कर उल्लासनगर मुंबई महाराष्ट्र के लिए स्वयं ट्रक मालिक जितेंद्र यादव निवासी भिंड के अपने सहायक ड्राइवर राजू तोमर को साथ लेकर जाना पाया गया था एवं ट्रक मालिक के परिजनों द्वारा बताया गया था कि ट्रक मालिक जितेंद्र यादव का अपहरण हो गया है और उन्हें छोड़ने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे फोन पर 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। अपहरण की उक्त घटना पर से दिनांक 20 दिसंबर 2020 को धरनावदा थाने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 645/2020 धारा 364A भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये बड़ा सनसनीखेज मामला वर्ष 2020 का था, जिसमें एक ट्रक मालिक का अपहरण किया गया था और कुल चार आरोपी उसमें थे और उसमें उनका जो सहायक चालक था वो भी आरोपी था और इसमें कुछ आरोपी स्थानीय थे और कुछ बाहर के थे। तो एक आरोपी जो कि धौलपुर राजस्थान का रहने वाला था, उग्रसेन गुर्जर उसका नाम था, वो लगातार घटना दिनांक से ही फरार चला आ रहा था। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसको गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। थाना प्रभारी धरनावदा अरुण सिंह तोमर ने इस मामले में विशेष भूमिका रही उनकी और उन्होंने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसमें एक से लेकर पांच साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी और 6 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को स्कूलों में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी।
समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में यह गोलियां एक साथ खिलाई जाएंगी। बीएमओ डॉक्टर शरद यादव ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पूर्व समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता प्रत्येक स्कूल से एक नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षक बीपीएम जितेंद्र सेन, बीसीएम हेमंत गौड़, बीई लक्ष्मी नारायण शिवहरे एवं वीवीडी सुपरवाइजर प्रदीप सेन रहे, जिनके माध्यम से कुमराज, मृगवास, बीनागंज में विभिन्न सेंटरों पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एक से दो साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली 200 एमजी की पीस कर देना है एवं 2 से 19 साल तक के बच्चों को एक पूरी गोली 400 एमजी की देना है। कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल गोली अनिवार्य है। संक्रमण के कारण पेट में कृमि हो जाती है, जो कि कुपोषण, एनीमिया फैलाते हैं। बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सभी 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों का कृमि नाशन किया जाना अनिवार्य है। समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर एवं स्कूलों पर एल्बेंडाजोल निशुल्क उपलब्ध है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बंटवारे की वजह से लागू धारा 49/6 को गलत बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग दोहराई है। मध्य प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत मंडल एवं विद्युत कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं फैमिली पेंशनरों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। पूर्व में भी वह ज्ञापन सौंप चुके हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी पेंशनरों को मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के वर्ष 2000 में हुए बंटवारे के कारण लागू धारा 49/6 के कारण समय समय पर बढ़े हुए महंगाई भत्ता के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस धारा से संबंधित एक अशासकीय संकल्प विधानसभा में साल 2022 में पारित किया जा चुका है, जिसे मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा रखा गया था, लेकिन उक्त धारा को सरकार ने अब तक विलोपित नहीं किया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं पेंशनरों को केवल 22% भत्ता दिया जा रहा है। इस असमानता के कारण सभी पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है। शासन स्तर पर धारा 49 को शीघ्र विलोपित करते हुए पेंशनरों के लिए 34% महंगाई भत्ते के आदेश जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 7 सूत्रीय मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सीएम के नाम सौंपा गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवारत जो कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं, उनको वर्तमान में मध्य शासन के द्वारा 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमें कर्मचारी की तरह 34% महंगा भत्ता भी भुगतान पेंशन के साथ किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 6वें 7वें वेतनमान का जो एरियर 32 माह और 27 माह का जो लंबित है, आज 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है। 2 वेतनमान लागू हो चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार की, किंतु एरियर आज दिनांक तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमको नहीं दिया जाए। साथ ही विद्युत छूट का जो लाभ हमें मिलता था, जो हम सेवा में थे पेंशनर होने के बाद भी, उसका लाभ से हमें वंचित कर दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश नियामक आयोग के द्वारा जो पेंशनरों के ट्रस्ट गठन करने का आदेश जो पिछले माह दिया गया है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आज तक पेंशन ट्रस्ट का गठन नहीं किया गया। इसी प्रकार अन्य जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, उसमें एक हमारी जो बैंक से भुगतान पेंशन का होता है वो मध्य क्षेत्र कंपनी में नहीं हो रहा है, जबकि मध्य क्षेत्र की पूर्व क्षेत्र कंपनी जबलपुर और पश्चिम क्षेत्र कंपनी इंदौर को ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर के द्वारा 1 तारीख की प्रति माह को पेंशन का भुगतान होता। हमारे साथ जो छल और कपट की राजनीति हो रही है, कंपनी द्वारा भी हो रही है, साथ ही हमारा ये कथन है कि छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा अपने विद्युत पेंशनों को वर्तमान में 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति उल्टी है। मध्य प्रदेश सरकार जब आदेश जारी करती है, तभी हमारी होल्डिंग कंपनी जबलपुर के द्वारा महंगाई भत्ता का आदेश जारी होता है। मध्य प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान भर में धारा 2003 जब लागू हुई 2003 में, तो उसके मुताबिक पूरे देश के अंदर कंपनी कानून लागू हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के सरकार हमें इस अधिकार से क्यों वंचित कर रही है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है पावर होल्डिंग कंपनी छत्तीसगढ़ रायपुर पर। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हमारी जबलपुर स्थित पावर होल्डिंग कंपनी है उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, और हमारा जो महंगाई भत्ता जो 34% हमको मिलना था वो हमें नहीं मिला है, 22 मिल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार से हमें कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं होती। जो रेवेन्यू प्राप्त होती है विद्युत उपभोक्ता से होती है,
और जो रेवेन्यू मिलती है उससे हमें पेंशनरों को उसका भुगतान होता है। जब मध्य प्रदेश सरकार के कोष से हमें भुगतान नहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल या कंपनी के कोष से हमें भुगतान सरकार कराए, और उसका हमने श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात पर अवश्य गौर करेंगे। धन्यवाद। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के निर्देश अनुसार 7 सितंबर से 20 सितंबर तक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह द्वारा सोशल मोबाइलाइजेशन अभियान किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत समूह से छूटे हुए परिवारों को समूह से जोड़ने का कार्य किया जाना है। इस हेतु विकासखंड गुना के ग्राम पिपरोदा खुर्द में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समूह की महिलाओं द्वारा गांव के मुख्य मार्ग से बैनर व तख्ती के साथ नारे लगाकर रैली निकाली गई और समूह से जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। उक्त कार्यक्रम के आयोजन में मिशन के जिला प्रबंधक रवि चौकसी एवं युवा सलाहकार आकाश महांता उपस्थित रहे और 60 समूहों की महिलाओं द्वारा रैली आयोजित की गई। कलेक्टर फ्रैंक नोबले की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक आयोजित। कलेक्टर फ्रैंक नोबले की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टर के सभाकक्ष में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर सोनम जैन, अनुविभागीय अधिकारी गुना वीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के आरंभ में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के बारे में विस्तार से विभागों द्वारा पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों को ड्यूटी आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित योजनाओं की पात्रता एवं शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और सर्वे दल एवं शिविर प्रभारियों को जानकारी प्रदाय की जाए। बैठक में साक्षर भारत योजना अंतर्गत प्रेरक का भुगतान समय पर नहीं करने एवं सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं कराने के कारण प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी अशोक चौहान को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए उन्होंने ऐसे विभाग जो सी एवं डी ग्रेड में हैं, उन्हें अपनी रैंकिंग एक सप्ताह के अंदर सुधारने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 14 सितंबर 2022 को पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। गुना बमोरी ब्लॉक के गांव में एकता परिषद गुना की टीम ने सूरज सहरिया एकता परिषद जिला समन्वयक के नेतृत्व में सहरिया आदिवासी जनजातीय समुदाय के 5 ग्रामों सिलवटी, धनुरिया, विशनवाड़ा, ढेमरपुरा, पारोदा, बमोरी के गांवों का भ्रमण कर इन गांवों के लोगों के साथ बैठक कर समस्या पर बातचीत की। आदिम जनजातीय समुदाय के इन लोगों के बीच में पहुंचकर इनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति की परख करते हुए इनके बीच समस्याओं को जाना और इन गरीबों से चर्चा की। लोगों ने मुखर होकर कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बीपीएल, राशन कार्ड तक नहीं है। समस्या में ग्राम विशनवाड़ा के सुनैना सहरिया रंगी हरज्ञान ने कहा कि हमारी उम्र 70 साल हो गई है लेकिन पेंशन नहीं मिलती। इसी प्रकार ग्राम ढिमरपुरा के सुखी बाई विधवा ने कहा कि मेरी उम्र 75 साल हो गई है लेकिन पेंशन नहीं मिलती। वन अधिकार के तहत पट्टे हमें नहीं मिले हैं जबकि कई पीढ़ियों से कब्जा है, खेती करते चले आ रहे हैं। ग्राम बारोदा के लेतर तस्वीर सहगिया ने बताया कि हमारी जमीनों पर दबंग व्यक्तियों का कब्जा है, इसे लेकर बहुत आवेदन दिए हैं और दिनांक 27/3/2021 को तहसीलदार बमोरी के द्वारा 5 लोगों को लेकर सीमांकन के आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 250 के तहत जारी हुए थे लेकिन पटवारी व दबंग व्यक्ति के पैसे के लेन देन के चलते आज तक सीमांकन नहीं हुआ। एकता परिषद जिला समन्वयक सूरज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के मामले में सभी गांवों में एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है लेकिन गांव स्तर पर लाभ नहीं मिलता, चाहे वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे का मामला हो या विधवा पेंशन, यहां सीमांकन का मामला है, राशन कार्ड का मामला है, कोई सुनने वाला नहीं है। सभी लोगों ने एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करी। एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करते हुए कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय गुना, बमोरी एसडीएम महोदय, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग गुना बातचीत के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और अन्य गंभीर चुनौतीपूर्ण समस्या पर विचार विमर्श कर निराकरण किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा।
एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण जन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि एकता परिषद जन संगठन सहरिया आदिवासी समुदाय की समस्याओं को लेकर चिंतित है। हमारा प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार शासन प्रशासन के संपर्क में है। संगठन सदैव आदिवासी समुदाय के हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा। आप सभी उनका लोगों का जो कृषि वन भूमि पर अनेक वर्षों से इस तरह की वन भूमि पर पीढ़ियों से काबिज रहे हैं, उनको पट्टा दिलवाने में संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, आज हम बमोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोरी के ग्राम डमरपुरा गांव में बैठे हैं। यहाँ की महिलाओं से चर्चा की गई है तो यहाँ करीबन 90 परिवार सहरिया समाज के निवास कर रहे हैं, जिन्हें एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक भी बुकिंग नहीं मिली और इस गांव में आम रास्ता भी नहीं है। बारिश के समय में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कीचड़ में खुच खुच करके निकलते हैं। पीयो जल की भी समस्या काफ़ी है, काफ़ी 1-2 किलोमीटर से पीने के लिए पानी लाते हैं और इस गांव में इस अम्मा की उम्र देखिए 70-75 वर्ष हो गई है। इनका नाम सूखी बाई है, इनको वृद्धा पेंशन आज तक नहीं मिल रही है। इनने कई बार पंचायत सचिव को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी कई बार दी है लेकिन आज तक इनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटी मिलना चाहिए। गांव में बिजली पानी सड़क की व्यवस्था होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में पूरे गांव के लोग मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे। मैं सुनील सहरिया सामाजिक कार्यकर्ता पराज इनकी। आज मेरी 60 साल की उम्र है, मुँह से बड़ा तब खत्म हुआ, मुँह छूट भाई जो रंग पट्टो नहीं मिलो नहीं मिलो और पैसा ले गए मुँह से। कौन ले गए? जे सलाठी वाले नाकदार जी वे कौन आगे। आपका आपका क्या नाम है? अगर राम मेरा नाम अगर राम है जमा साहब अर्जन का अर्जन का मेरे पिताजी का नाम है। अगर राम सहरिया? हाँ सहरिया आदिवासी शुद्ध सहरिया है। जी दादा बताइए आपका नाम और आप कौन से गांव के हैं और आपकी क्या समस्या है? बहनवाड़े को आपकी क्या समस्या है? भाई साहब मेरी टपरी डूब में जा रही है, डूबे मरघट बैठे है ना, किसी 5-6 सरपंच बदल गए ना, किसी नहीं नाम उतना कछु नहीं बना। वो बेचारे तरह डूबी घाट बैठी है, मैं घाट पे हूँ। तुम्हें कुटी नहीं मिली? नहीं मिली क्या तक कछु भी गई सरकार दबा नहीं है, उसे पानी भर रहा टपरी डूब में जा रही है। 15 दिन पेल्ट में रहा, पेंशन वेंशन मिलती है? कुछ नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई होगी? भाई साहब नहीं है। कौन से गांव के गए? बसन वाले को। अनियंत्रित कार ने टोल टैक्स के पास बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, पिता पुत्र हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार, टक्कर मार कर कार भिड़ी डिवाइडर से हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गुना जिले के कुमराज से गुना आते समय बाइक सवार 3 व्यक्तियों को अनियंत्रित कार ने टोल टैक्स के पास जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए जो कि पिता पुत्र हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर मारकर कार सवार जोरदार कार चलाकर भाग रहा था, इतने में कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार चालक भागने में कामयाब हो गया, कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कार का नंबर MP07CJ6141 है। हादसे में मोहम्मद महबूब खान, सोएब खान मंसूरी, सद्दाम हुसैन घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सद्दाम ये एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम कुमराज से गुना आ रहे थे। फिर क्या हुआ? और फिर जे टोल टैक्स है ना, यहाँ पे पीछे से हमारे एक गाड़ी ने दे दी, फोर व्हीलर वाले ने। गाड़ी वो थी, वो कार। हाँ कार क्या पकड़ी हुई? हाँ पकड़ी हुई कार। कितने लोग घायल हुए? मैं, मेरा भैया और पापा मेरे। गाड़ी नंबर याद नहीं है मेरे। गाड़ी नंबर क्या है भैया? MP07। क्या नंबर है गाड़ी का? MP07 6CJ
CJ 6141। कहाँ कहाँ चोटें आई आप लोग? मेरे पैर में आई है, चेहरे पे आई है, कंधे पे आई है, घुटने पे आई है, हाथ पे आई है। अच्छा, घायलों के नाम क्या हैं? मेरे पापा का नाम है मोहम्मद महबूब खान मंसूरी, मेरे भैया का नाम है सोएब खान मंसूरी, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। रिलायंस मॉल के आगे अचानक सामने आया ट्रक, अनियंत्रित हुई बाइक, एक्सीडेंट में दो युवक घायल। गुना शहर के मारुति शोरूम के पास रिलायंस मॉल के सामने विगत रात एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दो युवक बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार टोल टैक्स से विगत रात इंदौर से आए एक व्यक्ति से अपने फोटोग्राफी वर्क के पैसे लेकर दो युवक लौट रहे थे, तभी रिलायंस मॉल के सामने एक ट्रक ने अचानक कट मार दिया, जिससे बाइक नियंत्रित नहीं हो पाई और हादसा हो गया, जिसमें मनोज कुशवाहा निवासी लूसन का बगीचा कैंट और सोनू खान निवासी घोशीपुरा दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मनोज कुशवाहा ने बताया कि वे एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह घायल हो गए और बेहोश हो चुके थे, और उनके पास जो पैसे थे वे उनके पास से नहीं मिले हैं। इस दुर्घटना में दोनों युवक घायल हुए हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कहाँ रहते हो? कैंट। बताइए क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कौन कौन थे? और आप? सोनू खान मेरा फ्रेंड है और एक मैं था, बाइक चला रहा था सोनू खान। हाँ, मैंने टोल टैक्स से पैसे लेके आ रहे थे 7,000 रुपये, उसकी जेब में भी 7-8,000 रुपये रखे थे। दोनों की जेब, यहाँ पर मारुति शोरूम के आगे रिलायंस मॉल के आगे एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा दोनों की जेब में पैसे रखे थे, वो पैसे नहीं मिले, ओनली मोबाइल रखे थे वो मिले। पैसे आपके वहीं गिर गए थे क्या? वहाँ पड़े थे, पुलिस वाले बोलने लगे कि मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, 10-12 लोग खड़े थे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पुलिस वाले आ गए थे? हाँ, पुलिस वाले आ गए थे, फिर एम्बुलेंस आई, फिर इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आप लोगों को? ओनली टोल टैक्स से ही घर आ रहे थे। आपके चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? चोट सिर में, मुंह पर, कंधे पर, उसके मुंह में, हाथ पैरों में, सिर में। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? मारुति शोरूम के आगे रिलायंस मॉल। रिलायंस मॉल के पास? हाँ। तो क्या सामने से वो ब्लोरा आ रही थी पीछे से? हाँ। और ट्रक भी जा रहा था? हाँ। तो गाड़ी नियंत्रित नहीं हो पाई, अचानक गड्ढे में लग गई। हाँ, एकदम से है ना, उसने आगे मतलब कट मारा ट्रक तो, वाले ने। हाँ, तो एक उससे क्या अनबैलेंस हो गई गाड़ी, घबराने के कारण गाड़ी है ना गड्ढे में फेंक गई। आपकी उम्र क्या होगी लगभग? लगभग 21-22 के समथिंग। और सोनू खान की? सोनू की भी वही 21-22 की उसकी है। कहाँ रहते हो आप? कैंट। और सोनू? घोशीपुरा। घोशीपुरा। अज्ञात कारणों के चलते 45 वर्षीय व्यक्ति ने लगाई फांसी की जीवन लीला समाप्त। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव का जिला अस्पताल में पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम सैरिया पुत्र बाबू सैरिया उम्र 45 वर्ष निवासी पिपरौदा पंचायत अग्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक विक्रम सैरिया की 3 लड़कियां हैं। मृतक विक्रम सैरिया के शव को गुना जिला अस्पताल लाया गया, जहां शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है दादा आपका? बाबू। बताइए क्या घटना हुई है? बच्चा मर गया अपने फांसी लगा कर। फांसी लगा ली? हाँ। क्या उम्र थी? 45 साल को। क्या नाम था? विक्रम। विक्रम। तो क्या घर में ही फांसी लगा ली? घर में ही लगा ली। कब की घटना है? कल 1 बजे की। उम्र क्या थी इनकी?
43। बच्चे वगैरह कितने हैं? 3 बच्ची हैं। बच्चियाँ के लिए? हाँ। तो किसी से कोई विवाद वगैरह तो नहीं था? नहीं, कतई नहीं। कहाँ की निवासी हैं ये? पिपरौदा। थाना कौन सा लगता है? मियानो। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता द्वारा एबी रोड वन्ना कॉन्वेंट स्कूल के आगे से लेकर मारुति शोरूम तक के गड्ढों को भरवाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर गड्ढे भरवाए जाने का कार्य निरीक्षण किया और नगर पालिका उपयंत्री एवं ठेकेदार से व्यवस्थित रूप से गड्ढे भरने के बाद रोलिंग कर और डामरीकरण कराने के निर्देश दिए। काफी दिनों से नागरिक इस मुख्य मार्ग पर गड्ढों से परेशान हो रहे थे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना थी। निरीक्षण के दौरान पार्षद दिनेश शर्मा, राजू ओझा, बहादुर सिंह, ब्रजेश राठौर, इंजीनियर बीबी गुप्ता, एसके जैन, भारती लोरी उपस्थित हुए। जिले के मियाना इलाके में एक परिवार को एक ही दिन में 2 दर्द मिले हैं। दादा के अंतिम संस्कार के लिए कोटा से आए पोत्र की भी नदी में डूबने से मौत हो गई। एक ही दिन में पिता और पुत्र को खोने के बाद शिक्षक की हालत खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गुना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सरदार सिंह के पुत्र परमाल सिंह रघुवंशी का शनिवार शाम बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनका पौत्र प्रियव्रत सिंह कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। वह रविवार सुबह ही अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुना पहुंचा। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए। अचानक प्रियव्रत ने गाड़ी उठाई और सिंध नदी पर पहुंच गया और नहाने के लिए नदी में उतर गया। हालांकि नदी में केवल घुटने घुटने तक ही पानी था, लेकिन रेत माफियाओं ने नदी को छलनी कर जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं। नहाते समय प्रियव्रत अचानक गड्ढे में डूब गया। 24 घंटे में ही दादा और पौत्र की मौत हो गई। उसके शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सोमवार सुबह शव का पीएम कर परिवार वालों को सौंप दिया गया। पिछले दिनों हुए पाएगा मोहल्ले में जमीनी विवाद में रोचक बात यह है कि मुन्नी बाई की पुरानी जमीन है। उन्होंने एक कमरा बिब्बी उर्फ जमीना बाई को रहने के लिए दिया था। अब बिब्बी बाई पुत्र और उनके परिवार जन उस कमरे पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि सामने ही एक पक्के मकान में रहते हैं, जिस पर कमरे के मालिक ने आपत्ति की तो लड़ने झगड़ने पर आमादा हो गए और पुलिस ने हस्तक्षेप किया और जांच के बाद इस बात पर राजीनामा हुआ कि उस महिला को जो किराए से रहती थी उसे जब तक वह रहेगी जब तक किराए के मकान का खर्चा कमरे के मालकिन के परिवार के लोग किराए का खर्चा देंगे, पर उस महिला के परिवार के लोग फिर भी विवाद कर रहे हैं और यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मुन्नी और फानीजा। कहाँ रहते हैं आप? ढोंगा मोहल्ला जी। बताएं क्या मामला है जी? पूरा है पुराने पोस्ट ऑफिस के पीछे शीतला माता रोड। क्या मामला है जी? ये किराएदार का झगड़ा। क्या झगड़ा है? मकान का। कैसा? मकान मेरा है वो, मतलब दे रहे थे, मकान गिर गया, हमने की खाली कर दो, तो वो ये कहने लगे कि मकान खाली नहीं होगा। वो लड़ने लगे और बदनाम कर दिया सबसे के दी के ये इनने सामान फेंका। मेरी बस की तो है नहीं जो सामान फेंकूंगी, मेरे को मारने को आ गए। जे किसके मकान में रहती हैं? जमीला ये वाले मकान में। अभी 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 कर रहे थे शाहरुख सामने। सामने वो उनका लड़का शाहरुख सामने रहता है सलाम राइन के घर में। अभी जो आपके घर में रहती थी पहले, तो क्या हुआ था फिर? यही हुआ था, जब भी मतलब ये घर गिर गया था, बस हम घर के कह रहे थे, उनकी बूढ़ी माँ आएगी तो मैंने देखी दब दब जाएंगी, मैंने की तो कह रहा है घर खाली नहीं करेंगे हम तो कुटी बनाएंगे। जमीन किसकी है? वो जमीन हमारी है। आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे थे? हाँ। आपका? मेरा नाम है सलीमुल्ला खान। बताएं क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है, ये हमारी फुप्पो है, बुआ है हमारी, और ये यहाँ रहती है, असली मालिक हम लोग हैं यहाँ के, और वो जबरदस्ती शाहरुख को कब्जा करना चाहते हैं। मकान पूरा गिर चुका है, हैं सामने शाहरुख रहता है, उससे कहा है तुम्हारी दादी को अपने घर में रख लो, तो ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और फालतू के इल्जाम लगाते हैं कि सामान फेंक दिया, तोड़ दिया, कहीं इसका नाम कहीं उसका नाम, ये जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे उमर भाई, कदीर भाई, इन लोग के झूठे इल्जाम लगाए तो बेचारे कुछ आए भी नहीं, लेकिन फिर भी इनका नाम लिया जा रहा है कि वो लोग आए।
किसके नाम पे मकान है ये मकान हमारे दादी के नाम पे, जमीला बेगम, हमारे दादा हबीबुल्ला खान। सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आज सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में 13 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात शाम 5:05 पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। अपने प्रदर्शन, धरना और तालाबंदी के लिए जाने जाने वाले आनंद राठौर एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। इस बार उन्होंने नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और नगरपालिका के वर्तमान सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोला है। अपनी मांगों के खिलाफ राठौर नगरपालिका कार्यालय परिसर के शिवालय पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। आज बिना अन्न जल ग्रहण किए राठौर ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मांग उठाई कि नगरपालिका कार्यालय को कानून के दायरे में लाकर माफिया गिरोह के चुंगल से मुक्त कराया जाए एवं नगरपालिका सीएमओ को 1 सितंबर को दिए गए पत्र पर कार्रवाई की जाए एवं सभी दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। आपका आनंद राठौर जी, आज आप हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या किस कारण बैठे हैं? क्या है, मेरे मकान का एक फर्जी नामांतरण हुआ था। कब? 1993 नामांतरण का आवेदन लगा, मैंने आपत्ति लगा दी, वो आपत्ति चलती रही। राजेंद्र सलूजा जहाँ आ गया अध्यक्ष बन के, तो उसने उस आपत्ति वाली फाइल को एक तरफ छुपा दिया, नए सिरे से आवेदन दे दिया, तो 8 दिन में ही नामांतरण दूसरा कर दिया। अभी छुपी हुई फाइल थी वो भी स्वीकृत हो गई, और तो एक मकान एक ही नक्शा दो नामांतरण स्वीकृत हो गए। ये फर्जी वाला नामांतरण दोनों निरस्त होने के लिए, और जिन्होंने फर्जी वाला किया है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, और मुख्य रूप से राजेंद्र सलूजा है इसमें। जब तक मैं कब तक धरना धरने कब तक बैठ रहे हैं? जब तक ये निराकरण ना पानी पीऊंगा ना रोटी खाऊंगा। रोजगार सहायक संघ ने आज स्वतंत्रता पार्क में बैठक कर गुना कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गुना जिला की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक सहायक सचिव की मूल योजना मनरेगा है, जिसका कार्य करने पर शासन द्वारा मानदेय 9,000 रूपये दिया जाता है, जिससे परिवार का पालन पोषण ही नहीं हो पाता, और प्रशासन द्वारा सभी योजनाओं का कार्य ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्य की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक पर डाल देते हैं और काम का दबाव बनाया जाता है, जिससे मूल योजना के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्राम रोजगार सहायक अपनी मूल योजनाओं में पिछड़ता चला जाता है, और इसके दुष्परिणाम स्वरूप रोजगार सहायक की प्रतिमाह वेतन कटौती की जाती है और सेवा समाप्त भी की जा रही है, जो कि न्याय उचित नहीं है। रोजगार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। आज ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला गुना की मीटिंग हमारे समस्त रोजगार सहायकों की समस्याओं के निराकरण के लिए रखी गई है, जिसमें मुख्य समस्याएं धरातल पर ये आ रही हैं कि अभी नवीन जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं और अधिकतर जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि ट्रांसफर हों, चूंकि रोजगार सहायक को एक ही पंचायत में 10 से 12 साल हो गई है। जनप्रतिनिधियों के साथ में भी बहुतों ने वहां पर वादा भी किया था कि हम उनके ट्रांसफर कराएंगे, पर रोजगार सहायक भी चाहते हैं कि एक ही पंचायत में बहुत दिन हो गए, काफी दिन तो ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि शासन की नीति न होने के कारण ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि मनमुटाव की स्थिति में शिकवा शिकायतों का दौर चालू हो जाता है। ट्रांसफर न होने के कारण बहुत से अनगर आलोप लगाए जाते हैं, जिस पर रोजगार सहायक को मानसिक टेंशन होती है, विभिन्न योजनाओं के कार्य भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हर आदमी हर योजना का लाभ लेना चाहता है, और जो योजना के लिए जो हितग्राही पात्र है उसे तो लाभ मिलता ही है, जो अपात्र वो अधिक ज्यादा झंझट हमारे रोजगार सहायकों से करता है। आए दिन मारा पीटी की भी
कई केस आ चुके हैं, कई बार हमने FIR भी कराई है प्रशासन के सहयोग से, पर अब हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन समस्याओं से। इसलिए हमने कुछ जिला स्तर की समस्याएं जो रोजगार सहायक की हैं, उसके लिए समस्त रोजगार सहायक जिले के एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय को एवं जिला CEO साहब को हमारी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। अगर इन समस्याओं का 7 दिनों के अंदर निराकरण नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोजगार सहायक जाएंगे। जो जनता के काम प्रभावित होंगे इसकी जिम्मेदारी पर जिला प्रशासन। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार यादव, जिला अध्यक्ष रोजगार सहायक संगठन जिला। गुरुजी संयुक्त मोर्चा जिला गुना की बैठक स्वतंत्रता पार्क गुना में शाम 6 बजे रखी गई, जिसमें प्रांतीय संयोजक KP त्यागी की उपस्थिति में गुरुजी संयुक्त मोर्चा जिला गुना के जिला संयोजक और सभी ब्लॉकों के ब्लॉक संयोजक बनाकर समितियों का गठन सभी गुरुजियों ने सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से लेके यहाँ रणनीति बनाई गई। प्रांतीय गुरुजी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 18 सितम्बर 2022 रविवार को गुना जिले के सभी ब्लॉकों तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। सभी ब्लॉकों में एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम MDS तहसीलदार महोदय को एक की मांग गुरुजी वरिष्ठता के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश के गुरुजी संवर्ग के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित अध्यापक सम्मेलन में गुरुजी को वरिष्ठता दिए जाने की घोषणा की थी, वही घोषणा आज दिनांक तक पूरी नहीं की गई। इसके लिए 18 सितंबर रविवार को मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक तहसील स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी क्रम में 25 सितम्बर 2022 रविवार को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री स्मरण रैली निकालकर मुख्यमंत्री को उनकी घोषणा याद दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। जैसे कि बैठक में अपन ने क्या है, भोपाल में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन गुरुजी संयुक्त मोर्चा का गठन किया, जिसमें रणनीति बनाई गई कि गुरुजियों की घोषणा आज से 4 से 6 महीने हो गए, 4 वर्ष 6 माह हो गए लगभग, लेकिन उसके लिए मिली नहीं। गुरुजी वरिष्ठता की घोषणा होने के बाद आदेश जारी नहीं हुए। इसी क्रम में भोपाल में संयुक्त मोर्चा गठन कर सभी जिलों में और ब्लॉकों में ज्ञापन का कार्यक्रम बनाया गया, तो ब्लॉक स्तर पर 18 सितंबर को ज्ञापन का कार्यक्रम बनाया गया है और 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में मुख्यमंत्री स्मरण रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक गुरुजी साथी भाग लेंगे और परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को उनकी घोषणा को याद दिलाकर उनसे निवेदन करेंगे कि शीघ्र से अतिशीघ्र गुरुजियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के आदेश जारी किए जाएं। ये घोषणा कब करी थी? ये घोषणा 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास से अध्यापक संवर्ग का सम्मेलन परम सम्मानीय मुख्यमंत्री ने किया था। उसमें स्पष्ट बोला था कि अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग के समान सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। इसके बाद गुरुजियों का उसमें वरिष्ठता क्रम भी होगा, महिलाओं को CCL अवकाश होगा, लेकिन सारे आदेश हो गए। एक आदेश ऐसा है जो गुरुजी वरिष्ठता का है, वरिष्ठता क्रम की उन्होंने स्पष्ट बोला था और मैं इस बात का साक्षी भी हूँ। मैं उस समय CM हाउस में उस समय घोषणा हुई थी, मैं मौजूद था और मैं इस बात का साक्षी हूँ। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, लेकिन जाने किस किन कारणों से आज तक आदेश नहीं हुए। इसलिए हम परम सम्मानीय मुख्यमंत्री को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हमारे आदेश किए जाएं। आपने ही हमारा अच्छे से अच्छा हमें वेतन मान सब कुछ दिया है और हम चाहते हैं कि हमारी गुरुजियों की वरिष्ठता और दे दें। एक बार मैं केशव प्रसाद त्यागी, प्रांतीय संयोजक मध्य प्रदेश। जनसुनवाई में कब्जा दिलाए जाने के संबंध में दिया गया आवेदन कलेक्टर फ्रैंक नोबले, पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन और अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह व अनुविभाग के अधिकारी वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में आज पटवारी ग्राम पूरा पोषर के ग्राम बिनखाई के कृषक भूतपूर्व सैनिक की पत्नी श्रीमती प्रेमलता शर्मा, बेवा नारायण शर्मा, उम्र 95 वर्ष, निवासी गणेश कॉलोनी लक्की पेट्रोल पंप के सामने नाना खेड़ी AB रोड गुना की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक भूमि पर किए गए अवैध कब्जाधारियों चंदन सिंह पुत्र नाथुराम लोधा निवासी ग्राम पूरा पोषर, वीरेंद्र सिंह पुत्र मेहरवान सिंह निवासी ग्राम बिनखाई तहसील व जिला गुना ने मौके पर जाकर कब्जा दिलाया। 95 वर्ष वृद्ध महिला, जो कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मौके पर जाने की स्थिति में नहीं थी, मौके पर उनके पुत्र राजस्व विभाग और पुलिस की टीम के साथ उपस्थित हुए। मौके पर
कब्जा पुत्र को सौंपने के उपरांत वृद्ध महिला के घर पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और उन्हें कब्जा रसीद प्रदाय की। उक्त कार्य में सहयोग पुलिस बल थाना प्रभारी कैंट विनोद सिंह छबाई, पुलिस बल महिला पुलिस बल तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, राजस्व निरीक्षक जेल प्रभारती पटवारी ग्राम प्रमोद शर्मा और सहयोगी पटवारी अजय श्रीवास्तव गोविंद श्रीवास्तव की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और आवेदिका भूतपूर्व सैनिक की पत्नी प्रेमलता शर्मा, पत्नी स्वर्गीय नारायण शर्मा को कब्जा दिया गया।